बच्चों यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बढ़िया चैलेंज प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर कैलकुलेशन या एरर अप्रोक्सीमेशन और राउंडिंग ऑफ तीनों का ही एक साथ यूज होने वाला है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आप बताओ कौन सा करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन काफ़ी एरर प्रोन है, बच्चे इसमें बहुत सारी मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझो इसका सोल्यूशन क्या है। पहले मैं लेंथ और ब्रेथ की रिलेटिव या परसेंटेज एरर निकालता हूँ। लेंथ आपकी गिवन है 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज एरर कितना मिलेगा, 0.1 डिवाइड बाय 16.2 इंटू 100, ये हो गया 0.62%। अब जो इसकी ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो कितनी गिवन है, 10.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर क्या बनेगा, 0.1 अपॉन 10.1 इंटू 100, तो हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय 101, तो ये हो जाता है 0.99%। अब मैं एरिया निकालूं तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो होगा 16.2 इंटू 10.1, यानी कि अभी तक मैंने एरर नहीं लिया, मैं सिर्फ एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास आ जाएगी 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इस एरिया में एरर निकालना है कितना होगा, तो देखो यहाँ पे एरिया के लिए मैं लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या बताया था, परसेंटेज एरर ऐड होते हैं, तो इन दोनों के परसेंटेज एरर में ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 0.62% प्लस 0.99%, तो ये हो जाता है आपका 1.61%। अब इसको मैं एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करूँ तो उसके लिए मुझे एरिया मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 1.61% यानी कि 1.61 बाय 100 और एक्चुअल एरिया कितने है, 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपको मिल रहा है 2.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरी एरिया बन जाती है 163.62 प्लस माइनस 2.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कई लोगों ने ये आंसर तो कैलकुलेट किया होगा, उसके बेसिस पे ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आप जल्दबाजी में क्या करोगे, ऑप्शन बी मार्क करके आ जाओगे, आपको ऑप्शन बी मिल रहा है, बट अभी भी ये ऑप्शन गलत है बच्चों। क्यों गलत है, क्योंकि अभी तक हमने सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट तो लगाया ही नहीं था। देखो जरा आपका जो इनपुट है, पहले इनपुट में आपके पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जो दूसरा इनपुट है उसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मेरे आउटपुट में भी सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, तो मेरा जो एरिया मिली है उसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर कैसे मिलेंगी, मुझे इन दोनों डिजिट्स को करना पड़ेगा ड्रॉप। अब जो 6 है यहाँ पे वो ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये राउंड ऑफ होके बन जाता है 164 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी या डी में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। तो आप बोलोगे सर 2.6 सेंटीमीटर एरर भी है यहाँ पे, तो हम ऑप्शन सी मार्क कर देते हैं, ठीक है ये भी बच्चों लेकिन गलत है, तो बी भी गलत है सी भी गलत है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, आपको आंसर तो मिल चुका है, लेकिन क्यों, क्योंकि बच्चों अब अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि आपकी जो एरिया मिल रही है वो मिल रही है 164 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन एरिया का लीस्ट काउंट तो यहाँ पे है, तो उसके एरर में लीस्ट काउंट डेसिमल में कैसे जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता, इसका लीस्ट काउंट 1 है और इसका लीस्ट काउंट 0.1, ये तो काफी कंफ्यूजन वाली बात हो गई ना, तो आपको इस एरर को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 2.6 को आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, 2.6 को आप राउंड ऑफ करोगे, 6 को ड्रॉप करने से आपका फिगर बन जाता है 3, क्योंकि प्रीसीडिंग डिजिट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा 1 से, तो इसलिए आपको फाइनली 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बन जाता है।